Hello children, today we will study GK chapter 21 of class 3rd. So let's get started. The heading of the chapter 21 is Sites in India. Sites in India. Fill in the space with the help of Doraemon. यहाँ पर आपको कुछ pictures show हुए हैं student, जिसमें देखिए आपको यहाँ पर heading दिए हुए हैं. First is site, जंतर मंतर. लोकेशन दिल्ली एंड जयपुर. जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली और जयपुर दोनों जगह हैं. अब इसके फाउंडर कौन थे? महाराजा जय सिंह सेकंड. महाराजा जय सिंह सेकंड. आपको यहाँ इस ब्लैंक कॉलम में क्या फिल करना है? महाराजा जय सिंह सेकंड. सेकंड पिक्चर आपका है पुराना किला. पुराना किला. लोकेशन दिल्ली. फाउंडर शेर शाह सूरी. यहाँ पर फाउंडर का नेम आपको एडमिट किया गया है लेकिन आपको लोकेशन का नेम फिल करना है, तो दिल्ली. थर्ड पिक्चर है साइट एलोरा. एलोरा एलोरा केव्स आपको पता है. इसमें लोकेशन भरना है आपको और फाउंडर आपको यहाँ दिया हुआ है. फाउंडर है बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिज्म जो होते हैं वो हैं इसके फाउंडर. लोकेशन महाराष्ट्र. MAHARASHTRA महाराष्ट्र. लोकेशन क्या है इसकी? महाराष्ट्र. फिर है आपका फोर्थ पिक्चर साइट साबरमती आश्रम. साबरमती आश्रम ये कहाँ है? लोकेशन अहमदाबाद. AHMEDABAD लोकेशन AHMEDABAD अहमदाबाद. फाउंडर महात्मा गांधी. इसके फाउंडर कौन है? महात्मा गांधी. साइट दिलवारा टेंपल. लोकेशन माउंट आबू. माउंट आबू में है ये. और इसके फाउंडर कौन है? चालुक्य. CHALUKYA चालुक्य. ताजमहल. ताजमहल कहाँ है? लोकेशन आगरा. आगरा में ताजमहल कहाँ है? आगरा में है. फाउंडर कौन है इसके? शाहजहाँ. SHAH शाह. JAHAN जहाँ. शाहजहाँ. तो आपको फर्स्ट पिक्चर में आपको देखिए लोकेशन दी हुई है दिल्ली एंड जयपुर और पिक्चर किसका है? जंतर मंतर. आपको फाउंडर का नेम फिल करना है, महाराजा जय सिंह सेकंड. सेकंड पिक्चर पुराना किला, इसमें आपको फाउंडर का नेम शो हुआ है शेर शाह सूरी और लोकेशन फिल करनी है दिल्ली. थर्ड है एलोरा, इसमें आपको बुद्धिस्ट इसके फाउंडर दिए हुए हैं, इसकी लोकेशन फिल करनी है महाराष्ट्र. फिर साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी इसके फाउंडर और लोकेशन है इसकी अहमदाबाद. दिलवारा टेम्पल, लोकेशन माउंट आबू, फाउंडर चालुक्य. ताजमहल, लोकेशन आगरा, फाउंडर शाहजहाँ. तो स्टूडेंट आपका चैप्टर 21 यहीं कंप्लीट होता है. इसमें आपको कुछ पिक्चर शो हुए हैं, उनके फाउंडर और उनकी लोकेशन फिल करनी है. तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. अब हम रीड करेंगे चैप्टर 22. द टाइटल ऑफ द चैप्टर 22 इज आवर लैंड. आर लैंड मतलब हमारी धरती. इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है? एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब सातवें नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है ये. और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र या प्रजातंत्र है इंडिया में. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन. फर्स्ट डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. NEWDELHI दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. द डैश ऑफ इंडिया आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. द स्पाइसेस SPICES स्पाइसेस. द स्पाइसेस ऑफ इंडिया आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया के मसाले ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब DEMOCRATIC डेमोक्रेटिक. इंडिया में कौन सा फॉर्म है? डेमोक्रेटिक फॉर्म है मतलब लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है. द मोस्ट सेकंड रिवर इन इंडिया इज द गंगा. यहाँ मोस्ट सेकंड मतलब सबसे पवित्र नदी कौन सी है यहाँ की? गंगा. द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज द थार डेजर्ट. THAR थार. बिगेस्ट डेजर्ट मतलब सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है इंडिया का? थार डेजर्ट. डैश इज द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक इज इन इंडिया. सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट पीक ऊंची चोटी कौन सी है थर्ड नंबर पे? कंचनजंगा. KANCHENJUNGA KANCHENJUNGA कंचनजंगा इज द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक इज इन इंडिया. ये
तीसरी सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की, कंचनजंगा। सेवेंथ, डैश वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, CHESS, चेस किसने इन्वेंट किया है, इंडिया ने। द नंबर जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय आर्यभट्ट, द नंबर जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय आर्यभट्ट, ARYABHATTA, आर्यभट्ट। जीरो नंबर किसने इन्वेंट किया है, आर्यभट्ट ने, और वो इंडिया के थे। फोर मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, चार प्रमुख रिलीजन यानी, पहला कौन सा है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म यानी धर्म, रिलीजन्स मीन धर्म। पहला है हिंदुइज्म, HINDUISM, आपको इस ब्लैंक कॉलम में हिंदुइज्म भरना है। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म ऑर्गेनाइज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। फोर मेजर वर्ल्ड रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया। डैश इज एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस विच हेल्प वन हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आपकी बॉडी को हेल्दी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए कौन सी इंडियन प्रैक्टिस है, प्राचीन परंपरा है एक, वो है योगा, YOGA, योगा। योगा करने से बॉडी भी हेल्दी रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है, तो ये बॉडी को हेल्दी और माइंड को फ्रेश रखने में हेल्प करता है, ये इंडियन एक्सरसाइज है एक योगा। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर 21 यहीं कंप्लीट होता है, इसमें मैंने जो ब्लैंक कॉलम्स है उसमें बता दिया है आपको क्या क्या फिल करना है, आपका हेल्पिंग बॉक्स भी है नीचे, ये देखिए इसमें से आपको स्पेलिंग्स फिल करनी है यहाँ। तो चैप्टर 21 और 22 आपके, ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, इन दोनों चैप्टर्स के ब्लैंक कॉलम्स हैं वो फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और उन पिक्चर्स को देखकर आपको बुक में पेंसिल से इन ब्लैंक कॉलम्स को फिल करना है, फिल करने के बाद आपको इसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।